नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें, निकाय चुनाव की आरक्षण लिस्ट जारी कर दी गई है। नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना हुई है जारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 17 नगर निगम के लिए आरक्षण जारी हुआ है 6 अप्रैल शाम 6 बजे तक, यानी अगले महीने 6 अप्रैल तक जो आपत्तियां हैं वो लगाई जा सकेंगी। यूपी निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की जो नोटिफिकेशन है उसे आज जारी कर दिया गया और किस तरह से कौन कौन सी सीट आरक्षित की गई है वो भी आपको लगातार इन ग्राफिक्स के जरिए टैली के माध्यम से बता रहे हैं। तो बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की यही है कि 17 नगर निगम के लिए आरक्षण जारी हुआ है। कुल 760 से ज्यादा नगर निकाय उत्तर प्रदेश में है जहां पर चुनाव प्रस्तावित है। आज इसमें अगर इसको स्टेट की जगह रीजनल लेवल पे हम अगर इन सीटों की गणना आरक्षण की व्यवस्था को के मापदंड को हम ले जाएं तो शायद संतोष ज़्यादा बढ़ेगा। उस दृष्टि से उन्होंने कहा कि नगर निगम तो जैसे पहले होता था राज्य स्तर पे उसी प्रकार आप 17 नगर निगम को देखिए, लेकिन नगर पालिका परिषदों के लिए उन्होंने कहा कि आप राज्य की बजाय मंडल स्तर पर उसका चक्रानुक्रम आप चलाइए। उसी प्रकार नगर पंचायतों के लिए उन्होंने कहा कि जिले स्तर पे उसका चक्रानुक्रम चलाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कुछ और भी जो बातें कही थी उन सबको अमेज करते हुए लेते हुए हम लोगों ने आर्डिनेंस की व्यवस्था की और आज ये उसी के आधार पे आज ये अनंतिम अधिसूचना जारी की गई है। आपको जिस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा वैसे तो आपको ये जानकारी अब मिल ही चुकी है, लेकिन फिर भी इस पूरी व्यवस्था के तहत नगर निगम आगरा का जो प्रस्तावित आरक्षण है वो SC वोमन का है, झांसी का SC का है जनरल, वृंदावन का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अलीगढ़ का अनारक्षित है, फिरोजाबाद का OBC वोमन है, मेरठ का OBC है, प्रयागराज का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अयोध्या का अनारक्षित है, सहारनपुर का OBC है, गाजियाबाद वोमन जनरल है, लखनऊ वोमन है, कानपुर भी महिला है, मुरादाबाद अनारक्षित है, गोरखपुर अनारक्षित है, वाराणसी अनारक्षित है, बरेली अनारक्षित है, शाहजहांपुर OBC महिला है। तो नगर विकास मंत्री की ये बाइट आपने सुनी, किस तरह से क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या सूची जारी की गई है उसको लेकर जानकारी देते हुए। इस पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट ब्यूरो हेड अनिल के अंकुर जी जुड़ गए हैं। अनिल के अंकुर जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, एक पुरानी सूची थी और एक नई सूची जारी की गई, आज नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया आरक्षण को लेकर निकाय चुनावों में। काफी समय से इंतजार किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सरकार की ओर से भी सूची जारी कर दी गई है। पहला सवाल यह कि आखिरकार क्या कुछ बड़े बदलाव इस सूची में फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, पहली टिप्पणी। देखिए नीतेश, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुरानी सूची थी जो दिसंबर 2022 में जारी की गई थी और जो ताजा सूची जारी की गई, इसमें एक बड़ा बदलाव यह आया है कि दिसंबर 2022 में जो सूची जारी की गई थी उसमें महिलाओं की आरक्षित संख्या 255 थी, जो कि अब टोटल निकायों में महिलाओं की आरक्षण की संख्या 255 से बढ़ा करके 288 कर दी गई। यानी कि सरकार महिलाओं को राजनीति में ज़्यादा प्रवेश कराने के पक्षधर है। और चूंकि जिस तरीके से आरक्षण मतलब देखा गया है, क्योंकि पहले भी जो आरक्षण था वो निश्चित रूप से कहीं कहीं मानक के अनुसार था, अब जो नए मानक हैं और उन मानकों को आधार पर मान करके महिलाओं के आरक्षण की संख्या बढ़ गई है। वहीं पर अगर बात करें OBC की, पिछली बार अगर टोटल नगर पंचायतें जो है नगर निगम नगर पालिकाएं और नगर पंचायत परिषद और नगर पंचायत इन सब को देखा जाए, इन तीनों को देखने के बाद उसमें OBC की संख्या अगर जो आरक्षण था वो 205 था, वो अभी भी 205 रखा गया है। SC की जो संख्या थी वो पिछली बार जो थी केवल एक थी और अब की बार SC की संख्या 102 थी, जो अब 110 हो गई है।
यानी कि एससी जो है लगभग 8 बढ़ गए, एसटी जहां तक शेड्यूल ट्राइब जो सीटें थी वो पिछली बार 2 दिसंबर में वो थी 1 थी, अब बढ़ाकर 2 कर दी गई है। तो जाहिर सी बात है ये पूरी तौर से ये आरक्षण है ये नए तरीके नए सिरे से किया गया है, इसमें कोर्ट के उन सारे आदेशों को माना गया है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि उसको फिर से पुनरीक्षित किया जाए और जो पिछले को जो चुनाव था जो आरक्षण जारी किया गया था उसमें संशोधन किया गया है। अब यह उन्होंने आज जारी कर दिया है, इसकी अंतिम अनुसूचना जल्दी जारी की जाएगी, उसके अनंतिम अनुसूचना जारी करने के बाद अंतिम अनुसूचना जारी होगी। जी अनिल के अंकुर जी, हालांकि समय दिया गया 6 अप्रैल तक का समय है आपत्तियां दर्ज कराए जाने को लेकर, लेकिन अगर देखा जाए तो जो कुछ फॉर्मूला अपनाया गया था इस पूरी रिपोर्ट को तैयार करने को लेकर, आखिरकार क्या वो फॉर्मूला था जिसके आधार पर नए मानक क्या थे जिसके आधार पर जो अब ताजा सूची जो है वो जारी की गई है, और क्या लगता है आपको जो अब सूची जारी हुई है उस पर किस तरह की आपत्तियां उठ सकती हैं, क्योंकि इंतजार करना होगा हालांकि जो कुछ इस पूरे मसले को लेकर तमाम जो रिएक्शन है राजनीतिक पार्टियों के वो भी आने शुरू हो चुके हैं। देखिए जैसा कि नगर निकाय अधिनियम के में जो व्यवस्था की गई है उसमें सीधी सीधी व्यवस्था है कि 27% ओबीसी, 33% महिलाएं और 21% एससी और 1% एसटी, ये व्यवस्था लागू करने की बात कही गई थी। पिछली बार जब 2 दिसंबर में ये जारी किया गया तो आपत्ति ये आई कि आरक्षण की संशोधन नहीं किया गया, पुराने आरक्षण को ही एज इट इज लागू कर दिया गया जो कि पुराना आरक्षण था, ऐसा ये आपत्ति लगाई गई जिसको कोर्ट ने सुना। कोर्ट ने सुनने के बाद आदेश दिए कि इसमें संशोधन किया जाए और संशोधन करने के बाद नए सिरे से जारी किया जाए, फिर सरकार ने कोर्ट के आदेश को मानते हुए नया संशोधन जारी किया है जो आज आप देख रहे हैं। इस संशोधन में आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि महिलाओं की टोटल जो संख्या है सीटों की, उन सीटों में 255 सीटें पहले 2 दिसंबर में जारी की गई थी, अब की बार वो संख्या बढ़ा करके 288 हो गई है। एससी अगर बात करें एससी सीटों की, पिछली बार एससी सीटों की संख्या 107 थी, अब की 102 थी जो अब बढ़ करके 110 हो गई, यानी कि 8 सीटें बढ़ गई एससी में। एसटी की में एक थी जो बढ़ के 102 हो गई है। तो संशोधन हुआ है जो कि आरक्षण का जो फार्मूला है उस फार्मूले का अपनाया गया क्योंकि चक्रानुक्रम होता है आरक्षण। अनिल के अंकुर जी, मैं लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच सुभाषपा प्रवक्ता अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़ गए। अरुण राजभर जी बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद सर। अरुण राजभर जी, आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है निकाय चुनाव को लेकर, जो आरक्षण की सूची हालांकि आपत्तियां दर्ज कराए जाने को लेकर 6 अप्रैल तक का समय दिया गया है, आपकी पहली टिप्पणी किस तरह से आप देखते हैं जो ताजा सूची जारी की गई, क्या लगता है आपको अब चीजें संतुलित रखी गई हैं, आपत्ति नहीं उठेगी? नहीं देखिए, कुछ ऐसी सीटें भी हैं अभी भी जिन सीटों पर आपत्ति करने का मौका दिया गया है और वो मौका उन लोगों को दिया गया है जो लोग इस आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं। लेकिन पूर्व के जिस तरह से रिपोर्ट सौंपे गए थे, जिस तरह पूर्व में जिस तरह घोषणाएं हुई थी कि इन सीटों पर, उसमें बहुत बदलाव दिख रहे हैं। उसमें ओबीसी को भी भागीदारी है, महिलाओं को भी भागीदारी है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को भी भागीदारी है, सामान्य वर्ग को भी भागीदारी है। तो जो पिछड़े वर्गों को स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी हमेशा से कहती थी कि बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं या उनको चुनाव नहीं कराया जा सकता है, तो अब इसमें जिस तरह से पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है, इसमें साफ है कि जो पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी या उनसे जो वंचित हो रहे थे, अब इस सूची से मुझे लग रहा है कि अब उनको न्याय मिल रहा है और उनको भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल रहा है और वो भी अब चुनाव लड़ने के लिए अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी भी आपत्तियां दर्ज करने का जो समय है, अब उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो उस समय जो सूची प्रकाशित होगी वो फाइनलाइज। नहीं, अरुण राजभर जी, आप कह रहे हैं कि काफी संतुलित है, पहले से ज्यादा अब न्याय मिलता दिखाई दे रहा है, जो संख्या है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ गई है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कुछ जगहों पर आपत्तियां दर्ज कराई जा सकते हैं, यानी आपको लगता है अभी भी गुंजाइश बची हुई है कहीं ना कहीं? नहीं, अभी भी गुंजाइश है। देखिए, अब तो एक तरीके से जो बड़ी संख्या में सीटें गड़बड़ थी, अब उसमें बहुत सीमित संख्या में, अब छोटी संख्या में अब वो थोड़ी गड़बड़ी होगी, लेकिन अब उसमें आपत्तियां जब आ जाएंगी तो उनको भी दुरुस्त कर लिया जाएगा, सरकार दुरुस्त कर देगी, तो उसमें भी जो मानक के विपरीत जाएगा तो उसको सही करने का प्रयास सरकार करेगी। ठीक है अरुण राजभर जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख जी भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका बलदेव सिंह औलख जी जनता टीवी पर आपका। लगता है उनका कॉल कट गया, दोबारा प्रयास करेंगे। मैं लौटूंगा आपके पास।
अरुण राजभर जी, लेकिन उससे पहले एक बार अनिल के अंकुर जी का रुख कर लेते हैं। अनिल के अंकुर जी, साफ तौर पर सुना हमने किस तरह से सुभाष पर प्रवक्ता अरुण राजभर जी कह रहे हैं कि हालांकि पहले से जो सूची है अब जो जारी की गई है वो ज्यादा संतुलित दिखाई दे रही है, जो तमाम वर्ग हैं उनको ज्यादा हिस्सेदारी भी दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर गुंजाइश बची हुई है। देखा जाए इस पूरी सूची को लेकर ओवरऑल एक नजर में, तो किस तरह से आज की पूरी सूची हुई है और इसको लेकर सरकार का क्या मानना है कि अब चीजें बैलेंस रहेंगी और चुनाव जल्द हो सकेंगे? देखिए रितेश, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आरक्षण का जो अनुक्रम चक्रानुक्रम के तरीके से बनाया गया है वो निश्चित रूप से वो पूरे पूरे जो नियम है उनको पालन करते हुए बनाया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, मैं सवाल करना चाहूंगा राजभर जी से, अगर राजभर जी मेरी बात सुन रहे हो तो सुनना चाहूंगा कि निकाय चुनाव आ गए हैं, निकाय चुनाव सर पर है, क्या उनकी पार्टी चुनाव अलग लड़ेगी या किसी दल के साथ मिलकर लड़ेगी? क्योंकि उनका लगातार चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले हैं, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं 2024 में। तो ये इनका जो है फाइनल मैच के पहले, क्या ये इनका ये प्री मैच होगा कि मतलब यहाँ पे पहले मैच खेलेंगे कि उसके बाद सीधे फाइनल में जाएंगे? ये उनसे मैं सवाल था, राजभर जी सुन रहे हो तो उनसे उसको दर्ज सकते हैं। जो ये चुनाव होने जा रहे हैं नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों के ये चुनाव हैं, और ये कार्यकर्ता जो निचले स्तर पर जो संगठन को उधार देते हैं उन लोगों के को मिला करके ये चुनाव लड़ने का, इससे उत्तर प्रदेश की सरकार बनना बिगड़ना या लोकसभा में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ये शहरों का चुनाव है, शहर और देहात एक हिस्सा अगर देखेंगे कि दो तिहाई हिस्सा वो देहात में होती है और उसका आधा हिस्सा वो शहर में होता है। तो शहरों में जो चुनाव होते हैं उसमें बड़ी संख्या में अब तक रिपोर्ट यही रहा है कि बीजेपी के समर्थन ज्यादा उसमें रहे हैं, लेकिन सुहेल भारतीय समाज पार्टी भी इस बार प्रयास की है कि पूर्व में हम चुनाव लड़े थे, हम 7 सीटें नगर पंचायत की हमने जीता था जिसमें हमने चेयरमैन बनाया था और ये 100 से ज्यादा हमने अपने पार्षद बनाए थे। अब हमारा ये प्रयास होगा कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़े, पिछली बार में हम अकेले दम पर लड़े थे और इस बार भी मैं अकेले दम पर लड़ने के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार है, हम संगठन के दम पर लड़ना चाहते हैं। सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी इस बार हम ज्यादा से ज्यादा अपने चेयरमैन बनाने के लिए, अपने पार्षद बनाने के लिए, और हम वहाँ के स्थानीय मुद्दे, देखिए स्थानीय मुद्दे होते हैं जो वार्ड के होते हैं, जो नगर पालिका के परिषद के जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, सीवर का समस्या है, चाहे कचड़े का समस्या है, नाली की समस्या है, चाहे वो बिजली की समस्या है, चाहे वो खड़ंजे की समस्या, इंटरलॉकिंग की समस्या, जो छोटे छोटे गांव मोहल्लों के जो लोकल स्तर के मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पर लोकल कार्यकर्ता इससे बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। और सुहेल भारतीय समाज पार्टी भरोसा है अपने कार्यकर्ताओं को, हमें भरोसा है कि वो बहुत मजबूती से पूर्व के रिकॉर्ड के अनुपात में इस बार ज्यादा संख्या में सीटों को जीतने का प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने मेंबर नगर निगम में भेजने का प्रयास करेंगे। और हम प्रयास कर रहे हैं हमेशा से, हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर गाँव मोहल्ला गली कुचे जाकर के अपने विचारधारा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का संघर्ष, अपने विचारधारा को बताकर हमको जोड़ने का काम। बिल्कुल अरुण राजभर जी, साफ तौर पर आपका कहना है कि अकेले लड़ेंगे और कार्यकर्ताओं के दम पर और संगठन के दम पर लड़ेंगे, ज्यादा सीटें भी हासिल होगा ऐसा आपका दावा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी अनिल के अंकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम विस्तार से जानकारी देने के लिए। उधर रुख करते हैं, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात की है और दोनों के बीच करीबन 1 घंटे तक ये मुलाकात चली। इस मुलाकात के दौरान शामली से रालौद के विधायक प्रसन्न चौधरी भी मौजूद रहे। मुलाकात की तस्वीरें भी आरएलडी विधायक ने शेयर की है। तो वहीं कानपुर देहात के जिला मुख्यालय में आज दर्जनों ग्रामीणों और महिलाओं ने यूपी सरकार के राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए राज्य मंत्री से मदद करने की गुहार लगाई है। तो वहीं राज्य मंत्री ने मामले की जांच कराकर मदद दिलाने की बात कही है। आगरा विकास प्राधिकरण की जोनल पार्क में 2 दिवसीय नवरात्रि के मौके पर गरबा का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल और छावनी विधानसभा के विधायक जीएस धर्मेश ने किया। कार्यक्रम के पहले दिन तमाम लोग और समाजसेवियों के साथ जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे मेहमानों ने संगीत की धुन पर जमकर डांडिया और गरबा खेला। रुख करते हैं अगली जानकारी का, जहां फतेहपुर सीकरी दरगाह पर स्थित मुगलिया स्मारकों को यूं तो निहारने देश विदेश के सैलानी हजारों की तादाद में प्रतिदिन आते हैं, लेकिन शाही दरवाजे बुलंद दरवाजे पर ताक लगाए बैठे मधुमक्खियों के छत्ते से आए दिन कोई ना कोई घायल हो ही जाता है। इस कड़ी में आज फ्रांस से फतेहपुर सीकरी स्थित
स्मारकों को निहारने आए 20 पर्यटक स्मारकों को घूमने के बाद वापस गुलिस्तां पार्किंग लौट रहे थे, तभी रास्ते में दीवाने आम रोड नौबत खाना के पास मधुमक्खियों ने विदेशी पर्यटकों पर हमला कर दिया, जिससे 5 विदेशी पर्यटक घायल हो गए। घायलों को स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर सीकरी ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों के उपचार के बाद विदेशी पर्यटकों को राहत मिली। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां पूरे देश में रामनवमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया, क्योंकि आज पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, जिसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। और भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी के आदर्शों पर चलने की भी सीख मिलती है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में नवरात्रि के आखिरी दिन लोग माता रूपी कन्याओं का पूजन कर सभी कन्याओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान प्रदेश में धूमधाम से शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा में सुंदर सुंदर झांकियां निकालकर राम जी के आदर्शों पर चलने का मंचन भी हुआ। यूपी सरकार के एक साल पूरे होने पर सरकार की मंशा के तहत अपर पुलिस महानिदेशक पीएससी उत्तर प्रदेश के आदेश पर बिजनौर में जवानों ने गंगा नदी में गंगा नौका यात्रा निकाली। तो वहीं विधायक सूची चौधरी के साथ चांदपुर के सपा विधायक स्वामी ओमवेश ने भी नाव में बैठकर गंगा यात्रा में शामिल होकर बढ़ चढ़कर भाग लिया। नौका गंगा यात्रा में बिजनौर पुलिस प्रशासन के अफसर भी मौजूद रहे। रंग बिरंगी 7 नाव पर सवार होकर नाव पर लगे तिरंगे झंडे के साथ गंगा यात्रा की शुरुआत हुई। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में पतंजलि यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योग गुरु रामदेव भी मौजूद रहे। अमित शाह और बाबा रामदेव ने इस अवसर पर हवन भी किया। अमित शाह ने हरिद्वार में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज मैं आप सभी को रामनवमी की बधाई देता हूं। आज इस सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश के सभी 63,000 एक्टिव पैक्स को कंप्यूटराइज करने का काम शुरू हो गया है। इसके साथ साथ 307 जिला सहकारी बैंक और ढेर सारी चीजें कंप्यूटराइज की गई हैं। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार से सहकारिता विभाग की कई योजनाओं का शुभारंभ किया, जिसके बाद वो विपक्ष के निशाने पर हैं। कांग्रेसी प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि आज जो गृह मंत्री योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, उनकी प्रदेश में पहले स्थिति क्या थी। नौकरियों के नाम पर सहकारिता विभाग में भाई भतीजाबाद चल रहा है। इंटरनेट से सभी समितियों को जोड़ने की बात हो रही है, लेकिन पहाड़ों में कैसी कनेक्टिविटी है, ये सभी के सामने है। आज का जो हरिद्वार में गृह मंत्री का दौरा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक आई वॉश है। वो जनता को बेवकूफ बनाने का जरिया है। जिस तरह से केदारनाथ का सौंदर्यीकरण या पुनर्निर्माण कार्य हरीश रावत जी कर चुके थे, मोदी जी की केवल शिलापट लग गई, उसी तरह से कांग्रेस के कार्यकाल में सहकारिता जो पैक्स कमिटियां हैं वो 756 थी, आज बच के रह गई हैं 690। और ये सबके सब कंप्यूटरीकृत इनका हो चुका था, कंप्यूटरीकरण इनका हो चुका था। अगर आज अमित शाह जी उसको इंटरनेट से जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो फिर अमित शाह जी बताएं कि उत्तराखंड के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट है कहाँ? 3G और 4G तक तो अवेलेबल है नहीं, तो आप क्या करने के लिए आए हैं? तो वहीं उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी है, जिसकी जानकारी आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष और सदस्य तकनीकी ने प्रेस वार्ता में दी। आपको बता दें कि बढ़ी हुई नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। एम के जैन का कहना है कि यूपीसीएल ने 16.96% इजाफे का प्रस्ताव आयोग को सौंपा था, लेकिन आयोग ने इसके सापेक्ष केवल 9.64% की वृद्धि की, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं के प्रभावी टैरिफ में केवल 1.79% वृद्धि की गई है। साथ ही यूपीसीएल को आदेश दिया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को मासिक आधार पर बिजली के बिल भेजने की व्यवस्था की जाए। आज यूआरसी द्वारा नई दरों की घोषणा की गई है, जिसमें कि यूपीसीएल यूजीएन और पिटकुल के द्वारा जो 27% की हाइक की मांग की गई थी, उसके अगेंस्ट जो टैरिफ आज की डेट में चल रहा है APPS को जोड़ के, उसमें सिर्फ 1.79% की बढ़ोतरी की गई है। और अगर मार्च 22 को जो टैरिफ बिक्री हुआ था उससे कंपेयर करते हैं तो 9.64% की बढ़ोतरी की गई है। इसके अंदर जो सेलिंग फीचर्स हैं वो ये है कि जैसे फिक्स चार्ज में, चाहे डोमेस्टिक है चाहे वो नॉन कमर्शियल है, कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। मंथली बिलिंग ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर को इंश्योर करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि हर एक की मंथली बिलिंग हो। जो मछली पालन वाले हैं उनको आज डिमांड, उनको
पहले जो कॉमर्शियल में बिलिंग होती थी उनको एग्रीकल्चर अलाइट में कर दिया गया है। इसी तरीके से जो पहले सोलर वाटर हीटर रिबेट थी 100 रुपीज़ पर 100 लीटर, उसको बढ़ाकर 75 रुपये पर 50 लीटर कर दिया गया है, जिससे कि जिनका 250 या 350 लीटर के हैं तो उनको पूरा फायदा उसका मिल सके। इस तरीके से जो पहले हमने 2 साल पहले प्रॉम्प्ट पेमेंट रिबेट स्टार्ट किया था वो था 1.25% अगर 10 डेज में पेमेंट करता है डिजिटल माध्यम से, और 0.75% अगर वो पेमेंट करते हैं कैश या किसी और माध्यम से, तो उसको बढ़ाकर 1.5% डिजिटल माध्यम से और 1% कैश या अदर माध्यम से अगर वो विद इन 10 डेज। उधर आम आदमी पार्टी ने राजधानी देहरादून में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर चस्पा कर आरोप लगाया है कि देश में नफरत की राजनीति की जा रही है, जिसका आप विरोध करती है। विरोध के दौरान आपके गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंद्र सिंह आनंद ने कहा, केंद्र सरकार के दमनकारी व्यवहार के खिलाफ आज देश के कोने कोने में मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगाया जा रहा है। देखिए, निकाय चुनाव की जब जब बात आएगी तब गामा जी का जो अभी जो मामला उठा है, और गामा जी ने जिस प्रकार से पिछले 2-3 वर्षों में अपनी संपत्ति को 100 गुना बढ़ाया है और स्मार्ट सिटी का पैसा हजम किया है, नगर निकाय में रहने वाले सभी लोग जो टैक्स भरते हैं उनके टैक्सों का गलत इस्तेमाल किया है, और एक और मामला सामने आया है कि उनको महंत साहब हैं जो यहाँ के देवेंद्र दास जी महाराज, उन्होंने 3 जमीनों। तो वहीं उत्तरकाशी में 4 धाम की यात्रा जैसे जैसे नजदीक आ रही है, उसी तरह से यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए BRO हर संभव कोशिश कर रहा है। इसी के तहत गंगोत्री नेशनल हाईवे के डेंजर जोन के पैच को ठीक बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि इस पैच पर 3 रोड निकली हुई हैं, जिसमें से एक पैच पहाड़ खड़ा होने के चलते मुसीबत बनी हुई है। इसी पैच को ठीक करने का प्रयास जारी है। तो आपको बता दें कि यात्रा जल्द शुरू होगी और उससे पहले तैयारियां पूरी की जा रही हैं ताकि श्रद्धालुओं को और यहां आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। BRO की ओर से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं, जल्द से जल्द तमाम जो पैच सड़कों पर हैं उनको ठीक कर लिया जाए। दोनों धामों में व्यवस्थाएं गतिमान है, अभी चल रहे हैं काम, जहां एक और सड़कों का सुधार करने का प्रयास लगातार चल रहा है। साथ ही साथ यमुनोत्री पैदल मार्ग पर भी अनेक सुधार के कार्य किए गए हैं और यात्रियों की सुविधाओं के लिए और घोड़ा खच्चर व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए भी कार्रवाई गतिमान है। और इसके साथ ही यात्रा रूट को सेक्टर्स में विभाजित किया गया है और प्रत्येक सेक्टर के लिए सेक्टर ऑफिसर निर्धारित किए गए हैं। उनके साथ भी हमारे द्वारा एक बैठक की गई है कि वो उनके दायित्व क्या रहेंगे और किस प्रकार से यात्रा व्यवस्था को संचालित किया जाएगा। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते रुख करते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। प्रतापगढ़ में नमाज पढ़कर जा रहे 15 साल के तालिब की पड़ोसियों ने कुल्हाड़ी से की हत्या। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने आनंद फानंद में मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती, इलाज के दौरान युवक की मौत। बाराबंकी में फिर दिखा खूंखार तेंदुए का तांडव, तेंदुए ने गांव के 2 लोगों पर किया हमला, दोनों लोग गंभीर रूप से घायल। वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर कर रही है कंबिंग। औरैया में डंपर ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर, टक्कर लगने से ऑटो सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल। आगरा में भैंस व्यापारी से 2,40,000 की लूट, 2 बोलेरो से आए बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, पीड़ित ने पुलिस को दी सूचना। बाराबंकी में तेंदुए की दहशत से ग्रामीणों की बड़ी चिंताएं, वन विभाग के अधिकारी सिगरेट पीने में मस्त, अभी तक नहीं पहुंचे वन विभाग के अधिकारी। भदोही में भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा की मां ने अपनी बेटी के हत्या का समर सिंह पर लगाया आरोप, सीबीआई जांच की मांग, आकांक्षा की मां ने मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। हरदोई में घर में घुसकर असलाहधारी बदमाशों ने की लूटपाट, लूटपाट को अंजाम देकर 4 बदमाश हुए फरार, मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, 3 बदमाश गिरफ्तार।